राधे राधे। नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल जॉय विद थिंग्स में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं आज आपको एक ओसाका कंपनी का डिजिटल फिल्टर लेंस है जो कि DLSR कैमरा के अंदर यूज़ में लाया जाता है। अगर आप आउटडोर शूटिंग ज़्यादा करते हो और आपका जो कैमरा आउटडोर में यूज़ ज़्यादा होता हो तो आपका जो लेंस है उसके ऊपर स्क्रैचेस वगैरह आने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। लेकिन ये जो ऊपर प्रोटेक्टिव लेंस है, रिंग है, ये आपके इस लेंस को जो दिया हुआ है ये इसके अंदर इसको डैमेज होने से बचाता है। तो ये जो लेंस है वो ओसाका कंपनी का लेंस है। हम इसको जल्दी से फटाफट से खोल के दिखाते हैं कैसा है। जैपनीज कंपनी है और जो पूरा है फिल्टर्ड ग्लास है, यूवी प्रोटेक्टिव है और आपके लेंस को काफ़ी 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 हद तक ये डैमेज होने से बचाता है। देखिए कितने खूबसूरत और मज़बूत केस के अंदर है और ये दिया हुआ है इसका रिंग। ये देखिए ओसाका आपको नाम दिख रहा होगा, ओसाका मल्टी कोटेड यूवी 58mm मेड इन जापान। तो उसको लगाने का क्या है सिस्टम, ये देखिए आप ये जो लेना है आपको इस तरीके से इसमें रिंग दिया हुआ होता है। तो आप जब इसको यूं लेकर इसको ऐसे ट्विस्ट करोगे, इस तरफ घुमाओगे एंटी क्लॉकवाइज तो ये इस पर लग जाएगा। ये देखिए फिक्स हो गया है। ओसाका कंपनी का मेड इन जापान है और जो आपका अंदर का लेंस है उसको प्रोटेक्ट करेगा। कोई भी डैमेज होना होगा इसके ऊपर होगा, आपका अंदर का जो लेंस है ओरिजिनल वो सेफ रहेगा। तो अब हम इसकी एक कैप्चर करके देखते हैं कि इसकी फ़ोटो क्लैरिटी कैसी आती है। तो आप देख सकते हैं तो आप देखिए इसकी क्लैरिटी। ये देखिए हमने जो फोटो खींची है वो खींची है और मैं इसको जूम कर दिखाया था आपको। बाकी ये देखिए ऐसे आप देख सकते हैं हमने फ़ोटो खींच ली है और फ़ोटो में क्लैरिटी में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं आया है। तो मेरे हिसाब से ये लगाना बहुत ही अच्छा रहेगा, छोटी सी चीज़ है। अब चलिए इसके प्राइस के ऊपर जाते हैं। तो मार्केट में ये अवेलेबल मिल जाता है आपको कम से कम 300 रुपये के आसपास, 350 के आसपास, 300-350। लेकिन जो मैंने परचेज़ किया है इसको 200 रुपीज़ के अंदर परचेज़ किया है, आफ्टर डिस्काउंट मुझे 200 का पड़ा है। तो प्लीज़ अगर आप अपने कैमरे के लेंस की लाइफ ज़्यादा लंबी रखना चाहते हैं और उसको सेफ रखना चाहते हैं तो इस वाले लेंस का प्रयोग ज़्यादा करें, इसको ज़रूर यूज़ करें। ये आपके लेंस कैमरे को ज़्यादा प्रोटेक्ट करेगा लेंस को। तो आपको मेरा रिव्यू कैसा लगा प्लीज़, अगर ये आपको अच्छा लगा हो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ फिर मिलूँगा। राधे राधे।